सो हेलो एवरी वन, दिस इज सी ए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट. सो कैसे हो आप लोग? एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं. ऑलराइट, सो आज हम लोग अलाइड लॉ रिवाइज करने वाले हैं, पूरा का पूरा अलाइड लॉ रिवाइज करने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करने वाले हैं. टू एंड हाफ आवर्स के अंदर, थ्री आवर्स के अंदर ज़्यादातर ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ अलाइड लॉज विल बी रिवाइजिंग. ये जो हम लोग अलाइड लॉ रिवाइज करेंगे, ये मेरे 50 पेजेस का जो अलाइड लॉ का समरी नोट्स बनाया हुआ है मैंने, उससे रिवाइज करेंगे, विच विल टेक केयर ऑफ अराउंड 20-25 मार्क्स. आई विल से कि ये 50 पेज का जो समरी नोट्स है, ये 20-25 नंबर का आपका ध्यान रखेगा. राइट, ये 20-25 नंबर का ध्यान रखेगा. तो ये समरी नोट्स अपन रिवाइज करेंगे अलाइड लॉज. ये समरी नोट्स आपको कहाँ से मिल जाएगा? आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा. और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना ग्रुप को. राइट, अलग से डाउनलोड भी करना पड़े टेलीग्राम ऐप, उसके लिए तो कर लेना, बिकॉज इस ग्रुप के अंदर आपको सिर्फ अलाइड लॉ के ही नहीं, सिर्फ अलाइड लॉ का समरी नोट्स ही नहीं, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे PDFs, बहुत सारी गाइडेंस टिप्स एंड बहुत सारे रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स, जो कि एक USP है, रिविजनरी ऑडियो क्लिप्स, जो हेल्प करता है आपको अपने कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के लिए. ये सारी चीज़ें आपको इन टेक्निकल टेलीग्राम के ग्रुप्स में मिलने वाली है. राइट, एंड साथ ही साथ आप WhatsApp से भी कनेक्टेड रह सकते हो मेरे साथ. एंड WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी यहाँ नंबर डिस्प्लेड होगी स्क्रीन पे, तो आप उस नंबर पे क्या कर सकते हो, WhatsApp कर सकते हो कि मुझे सर का WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना है. नाउ अलाइड लॉस की अगर हम बात करें, तो ये एक मोस्ट नेगलेक्टेड एरिया रहता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राइंग टू लिव दिस टॉपिक, एंड द रीज़न इज कि जो अलाइड लॉ का वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है, इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा वॉल्यूम है. एंड कंपेरेटिवली जो मार्क्स की वेटेज है वो कम है. दैट इज वाई आई हैव डिजाइन दिस 50 पेजेस समरी शीट विच विल कैरी टेक केयर ऑफ अराउंड 20-25 मार्क्स. अब देखना, अलाइड लॉज की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. अगेन मेरी स्पीड फास्ट रहेगी, सो यू हैव टू मैच अप विद दैट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. तो इंटरप्रिटेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले अपने को सबसे पहले इंटरप्रिटेशन पढ़ना चाहिए. वी हैव टू स्टडी इंटरप्रिटेशन, बिकॉज इंटरप्रिटेशन हेल्प करता है कि हम लॉ को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, लॉ को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब देखना, आप जब भी कोई लॉ को इंटरप्रेट करोगे, कुछ प्राइमरी रूल्स होता है इंटरप्रिटेशन का एंड कुछ सेकेंडरी रूल्स होता है इंटरप्रिटेशन का. तो देर आर सर्टन प्राइमरी रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. सबसे पहला प्राइमरी रूल होता है, दैट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन. लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? लॉ में जो चीज़ जैसी लिखी है आप उस चीज़ को वैसा रीड करें, उसमें दिमाग ना लगाएं. लॉ में जो चीज़ जैसी लिखी है आप बिल्कुल वैसा रीड करें, उसमें दिमाग ना लगाएं. रीड द लॉ एज इट इज, दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. रीड द लॉ एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही रीड करें. आप देखना, सेम मैटर होता है और सेम मैटर के ऊपर दो अलग अलग लॉयर्स होते हैं कंट्री के, और दोनों के जो ओपिनियंस होते हैं उनमें डिफरेंसेज होते हैं. वट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज दैट वन ऑफ दैम माइट बी फॉलोइंग द लिटरल इंटरप्रिटेशन, जैसा लिखा है वैसे रीड करें, एंड अनदर वन माइट बी फॉलोइंग द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन. राइट, तो लॉ में जैसा लिखा है वैसा रीड करें, जब तक लैंग्वेज में एम्बिगिटी ना हो, लॉ में जैसा लिखा है वैसा रीड करें. लेकिन अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज में एम्बिगिटी प्रेजेंट है और लिटरल इंटरप्रिटेशन देने से जो पर्पस ऑफ स्टैट्यूट है वो डिफीट हो जाएगा, आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यूज करें. आप क्या करें? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यूज करें. क्लियर है? तो दैट इज वॉट यू मीन बाय द रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड रूल ऑफ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन. कभी कभी ये चीज़ें एग्जाम में भी बहुत काम आती हैं. या तो आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है कि राइट अ नोट ऑन लिटरल इंटरप्रिटेशन, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, या फिर एग्जाम में केस स्टडीज में वो आपके काम आ सकती है. जैसे कि इंस्टीट्यूट ने एक सवाल पूछा था लॉ के पेपर के अंदर, बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि मान लीजिए जैसे आप रोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि इंडिविजुअल का 10 ईयर 5 ईयर्स का होता है, फर्म का 10 ईयर 10 ईयर्स का होता है, एंड 5 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है. और जो नया फर्म अपॉइंटमेंट होगा, जिस नए फर्म का अपॉइंटमेंट होगा ड्यूरिंग द 5 ईयर्स कूलिंग ऑफ पीरियड, वहाँ कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए. तो सवाल पूछा गया था कि मान लीजिए जब कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट होता है, उस वक्त एक नई फर्म अपॉइंट होती है और उस नए फर्म में कोई कॉमन पार्टनर नहीं है, बट 3 महीने बाद पहले फर्म का पार्टनर दूसरे फर्म को ज्वाइन कर जाता है. डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं है? ज्यादातर स्टूडेंट्स लिख कर आए डिस्क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल है. और वहां उनको मार्क्स 0 मिले. क्यों मिले? बिकॉज जब आप लिटरल मीनिंग रीड करोगे तो लॉ में कहा गया है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देयर शुड बी नो कॉमन पार्टनर. जिस वक्त अपॉइंटमेंट हुआ उस वक्त कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, यानी बाद में होगा तो चलेगा.
दैट इज व्हाट द लिटरल मीनिंग सेज. बट एट द सेम टाइम तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही होगी कि यार ये गलत है, ये लॉ के स्पिरिट के अगेंस्ट है, इससे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगा, ये रोटेशन का पर्पस डिफीट कर जाएगा. तो इसके एक ऑल्टरनेटिव आंसर भी प्रेजेंट है दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इससे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, अपने को इसे अलाउ नहीं करना चाहिए. बट ये एक ऑल्टरनेटिव आंसर है, ये एक एडिशनल आंसर है. आपको एग्जाम में पहले लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लिखना था, वहां पे फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लिखना था. अगर आप सजेस्टेड में भी जाके देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने दो आंसर की ड्राफ्टिंग की है, पहले एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ किया है और फिर एक ऑल्टरनेटिव आंसर की ड्राफ्टिंग करी है एज पर द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. उसके बाद वी हैव हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि मान लीजिए दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है. फॉर एग्जांपल सेक्शन 185 कहता है कि आप किसी भी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते हो या किसी भी ऐसे पर्सन को लोन नहीं दे सकते हो जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है. बट 186 कहता है आप किसी भी पर्सन को लोन दे सकते हो अप टू ए सर्टेन लिमिट. तो 185 कहता है यू कैन नॉट गिव लोन टू एनी डायरेक्टर और टू एनी पर्सन इन होम द डायरेक्टर हैज इंटरेस्ट. एंड 186 कहता है यू कैन गिव लोन टू एनी पर्सन अप टू ए सर्टेन लिमिट. तो यहां क्या हो गया भाई, दो सेक्शन के बीच कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो हम हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन फॉलो करेंगे, लॉ को इस तरीके से फॉलो करेंगे कि दोनों सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हो. तो अप्लाइंग द रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन हम ये कहेंगे कि सेक्शन 186 में जब हम कहते हैं लोन कैन बी गिवन टू एनी पर्सन, तो उस एनी पर्सन विल एक्सक्लूड द पर्संस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 185. तो अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट है दो प्रोविजंस के बीच, आप दोनों प्रोविजंस को कंप्लाई करें, आप हमेशा दोनों प्रोविजंस को कंप्लाई करें, वो हमेशा बेटर रहेगा. फॉर एग्जांपल सेबी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट में कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है. आप जब सेबी एक्ट कंप्लाई करते हो तो कंपनीज एक्ट अपने आप कंप्लाई हो जाता है, तो बेटर आप सेबी एक्ट कंप्लाई करें. मगर अगर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर प्रोविजन स्टार्ट होता है विद द वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग. अगर कोई पार्टिकुलर प्रोविजन स्टार्ट होता है विद द वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब वो प्रोविजन क्या करता है, अपने आप को दूसरे प्रोविजन से ऊपर बताता है, उच्च दर्जे का बताता है, बिकॉज इट स्टार्ट विद द वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग. तो अगर एक प्रोविजन ओवरराइड करता है दूसरे प्रोविजन को तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन नहीं लगेगा, बिकॉज हार्मोनी कब बैठानी है, जब डिस्प्यूट है. और अगर एक प्रोविजन ज्यादा पावरफुल है दूसरे प्रोविजन से तो वहां कोई डिस्प्यूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. उसके बाद वी हैव द मिस्टीफ्स रूल और द हेडन्स रूल और ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट इज मिस्टीफ्स रूल एंड व्हाट इज हेडन्स रूल, व्हाट इज मिस्टीफ रूल एंड व्हाट इज हेडन्स रूल. अब देखना, बहुत सिंपल सी चीज है. मिस्टीफ रूल या हेडन्स रूल जुडिशरी कब अप्लाई करेगा, कोर्ट्स में कब अप्लाई किया जाएगा, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कब अप्लाई किया जाएगा. नॉर्मली ये रूल अप्लाई होगा जब किसी नए एक्ट का इनैक्टमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में हमारे पास क्या है, जीएसटी लॉ है. बट पहले क्या था, पहले हमारे पास सर्विस टैक्स था, हमारे पास एक्साइज था, हमारे पास वैट था. तो कभी जीएसटी में किसी पॉइंट में इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ गई तो मिस्टीफ रूल्स लग सकता है या हेडन्स रूल्स अप्लाई किया जा सकता है. तो इस रूल के तहत वो चार बातें देखेगा, लॉ मेकर चार बातें देखेगा, मतलब जुडिशरी चार बातें देखेगा. सबसे पहले कि जीएसटी के एक्ट से पहले पुराना कौन सा एक्ट था, वो कौन सा डिफेक्ट है जिसको पुराने लॉ में एड्रेस नहीं किया गया था, और पार्लियामेंट ने क्या किया उस डिफेक्ट को सही करने के लिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट रेमेडी. तो जब आप वो चीज देखोगे भाई पुराने लॉ में क्या कमी थी, पुराने लॉ में क्या मिस्टीफ था, क्या दिक्कत थी, क्या तकलीफ थी, पार्लियामेंट ने क्या क्या दूर करने के लिए. अब सपोज ड्यूअल इंटरप्रिटेशन निकल के आता है जीएसटी लॉ के अंदर, एक वो इंटरप्रिटेशन है जिससे पुरानी वाली तकलीफ फिर से राइज होती है, और दूसरा वो इंटरप्रिटेशन है जिससे पुराने वाला मिस्टीफ दूर हो जाता है. तो हम कौन सा इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे, वो वाला इंटरप्रिटेशन यूज करेंगे जिससे पुराने वाला तकलीफ दूर हो जाता है. लेकिन ये जो रूल है इसे हम हेडन्स रूल भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज द हेडन्स रूल. ये तभी एप्लीकेबल है अगर वर्ड्स एम्बिगियस हैं, वर्ड्स की मीनिंग में हमें डाउट है एंड उनके एक से ज्यादा मतलब निकल के आ रहे हैं. उसके बाद वी हैव रूल ऑफ इजिस्डम जेंड्रिस. रूल ऑफ इजिस्डम जेंड्रिस क्या है, मान लीजिए सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए और फिर एक जनरल वर्ड यूज किया, यानी सबसे पहले डॉग यूज करा, फिर कैट यूज करा, काउ यूज करा, बफेलो यूज करा. यू सी एवरी वर्ड इज स्पेसिफिक. डॉग इज अ स्पेसिफिक वर्ड, कैट इज अ स्पेसिफिक वर्ड, काउ इज अ स्पेसिफिक वर्ड, बफेलो इज अ स्पेसिफिक वर्ड एंड अदर एनिमल्स. तो यहां पे जो एक्सप्रेशन अदर एनिमल लिखा है ना, अदर एनिमल में क्या टाइगर आएगा क्या, अदर एनिमल में क्या लायन आएगा क्या, नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, बिकॉज अपने को इसका मतलब कहां से डिराइव करना है, अपने को इसका मतलब स्पेसिफिक वर्ड से डिराइव करना है. अपने को इसका मतलब कहां से डिराइव करना है, अपने को इसका मतलब स्पेसिफिक वर्ड से डिराइव करना है. वेयर देर वॉज ए प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्टेशन ऑफ आर्म्स एमुनेशन गन पाउडर,
और एनी अदर गुड्स. तो यहां पे एनी अदर गुड्स का मतलब क्या हो गया, सिमिलर टू आर्म्स, एमिनेशन, गन पाउडर. तो ये क्या है, रूल ऑफ इजिस्टम जेंड्रिस है, रूल ऑफ इजिस्टम जेंड्रिस है. तो ये नॉर्मली हमारे प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है. वी ऑल्सो हैव द सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. तीन सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है. सबसे पहला वी हैव ऑप्टिमा लिगम इंटरप्रिसिस्ट कॉन्स्टिट्यूडो. अगेन आपको एग्जैक्टली नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑप्टिमा लिगम इंटरप्रिसिस्ट कॉन्स्टिट्यूडो दैट इज कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ द लॉ. कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में लॉ कुछ नहीं कहता, बट समाज बहुत कुछ कहता है. जब लॉ कुछ नहीं कहता, अपन ये देखते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, समाज में प्रथा कौन सी चल रही है, कस्टम क्या कहता है, और वहां कस्टम को फॉलो करते हैं. कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ. उसके बाद वी हैव कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो ऑप्टिमा इट फोर्टिसिमो इन लैगे. अगेन आपको एग्जैक्टली नाम याद करने की जरूरत नहीं है. द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट ए डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रेड व्हेन मेड. मान लीजिए 50 साल पहले कानून बना था, तो 50 साल पहले जब कानून बना था उस वक्त सिचुएशन अलग थी, उस वक्त लोगों का सोचने का तरीका अलग था. तो अगर आप उसको आज के सिनेरियो पे रीड करोगे, चीजें गलत हो सकती हैं. आप एक डॉक्यूमेंट को ऐसे रीड करें कि जिस वक्त लॉ बना था उस वक्त इस वर्ड का क्या मतलब था, और उसी हिसाब से आप लॉ को रीड करें, उसी हिसाब से आप मीनिंग को अप्लाई करें. द थर्ड रूल, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. Nositor is sources. इसमें करेक्शन कर लेना, ये जो बीच में टी बना हुआ है ना इसे हटा देना, ये जो बीच में टी बना हुआ है ना इसे हटा देना. Nositor is sources. That is, it is known by its associate. Nositor is sources. That is, it is known by its associate. मतलब मान लीजिए जो भी एसोशिएट वर्ड्स होंगे, जो भी एसोशिएट वर्ड्स होंगे, एसोशिएट वर्ड्स मतलब दो या तीन वर्ड्स जो एक साथ पैरेलली यूज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने यूज किया ट्रेड, हमने यूज किया बिजनेस, हमने यूज किया प्रोफेशन. तो तीन एसोशिएट वर्ड्स हैं जो यूज हो रहे हैं. हर एक वर्ड एक दूसरे से मीनिंग डिराइव करेगा, हर एक वर्ड एक दूसरे से मीनिंग डिराइव करेगा, हर एक वर्ड एक दूसरे से मीनिंग डिराइव करेगा. हर एक वर्ड की कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ होगी. तो एसोशिएट वर्ड्स को साथ में रीड करेंगे. दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जब भी एक साथ कपल टुगेदर होंगे और इनका पैरेलल मीनिंग होगा, इनका सिमिलर मीनिंग होगा. इनका पैरेलल मीनिंग है, इनका सिमिलर मीनिंग है, तो इनको हमें सिमिलर सेंस में ही समझना है. दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो कपल टुगेदर है साथ में एंड जिनका पैरेलल मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग है, हमें उनको क्या करना है, सिमिलर सेंस में ही समझना है. राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने. कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन. अब जब कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट की आप बात करते हो, आपके दिमाग में क्या आता है, प्रॉफिट मोटिव. जब आप ट्रेड की बात करते हो क्या आता है, प्रॉफिट मोटिव. जब आप बिजनेस की बात करते हो क्या आता है, प्रॉफिट मोटिव. जब आप प्रोफेशन की बात करते हो, इट कैन बी प्रॉफिट मोटिव, इट कैन बी चैरिटेबल एज वेल नॉर्मली. अब एक प्राइवेट डिस्पेंसरी सपोज सेटअप होती है, तो क्या प्राइवेट डिस्पेंसरी कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा क्या? तो जजमेंट आया कि भाई प्राइवेट डिस्पेंसरी कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो वर्ड बाकी वर्ड के जैसा रीड होगा. कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का एक सिमिलर मीनिंग है, ट्रेड का एक सिमिलर मीनिंग है, बिजनेस का एक सिमिलर मीनिंग है, तो प्रोफेशन का भी सिमिलर मीनिंग ही रहेगा. ये दिया गया है इन द रोल ऑफ नॉजिटर ए सोर्सेस. अब देखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने पास बहुत सारे टूल्स हैं लॉ को इंटरप्रेट करने का. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी हैव सेवरल टूल्स टू इंटरप्रेट द लॉ. जैसे कि टाइटल, अगर हम टाइटल की बात करें तो क्या टाइटल हमारे को मदद करता है क्या लॉ को इंटरप्रेट करने की? फॉर एग्जांपल, एक शॉर्ट टाइटल भी होता है, एक लॉन्ग टाइटल भी होता है, एक शॉर्ट टाइटल भी होता है और एक लॉन्ग टाइटल भी होता है. जैसे शॉर्ट टाइटल का एग्जाम्पल मैं लूँ तो सरफासी, और अगर मैं लॉन्ग टाइटल की बात करूँ तो भाई सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो जब आप शॉर्ट टाइटल देखते हो सिर्फ फासी, कुछ समझ आ रहा है क्या, इंटरप्रिटेशन के लिए काम आएगा क्या? नहीं आएगा. यानी शॉर्ट टाइटल सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होता है, शॉर्ट टाइटल सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होता है. शॉर्ट टाइटल इज ऑनली फॉर कन्वीनियंस. शॉर्ट टाइटल हमारे सिर्फ कन्वीनियंस पर्पज के लिए होता है, लॉ को इंटरप्रेट करने में काम नहीं आता. जबकि जो लॉन्ग टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल एक्ट्स एज ए लेजिटिमेट एड टू कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन.
उसके बाद एक्ट का प्रीएम्बल, क्या एक्ट का प्रीएम्बल इंटरप्रिटेशन के लिए काम आता है क्या? प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल यानी कि जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, जो एक्ट का स्कोप डिफाइन करता है, एक्ट का पर्पस डिफाइन करता है कि एक्ट बनी है तो क्यों बनी है। जैसे पॉमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रीएम्बल कहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है देश में मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, ब्लैक मनी और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोकना, और वो जो भी लोग ये सारे काम कर रहे हैं उनको पनिश करना। तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है, इंटेंशन है लॉ मेकर का। तो प्रीएम्बल क्या दिखाता है? प्रीएम्बल डिस्क्लोज करता है व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। तो नॉर्मल आम तौर पे आप प्रीएम्बल को रेफर नहीं करते हो, आप तो सिर्फ सीधा एक्ट रीड करना स्टार्ट करते हो। लेकिन जब आपको एक्ट रीड करते वक्त लैंग्वेज में एम्बिगिटी आती है, लैंग्वेज में चीजें समझ नहीं आती है, तब आप क्या करते हो? प्रीएम्बल रेफर करते हो। तो प्रीएम्बल कैन बी यूज्ड एज एन एड टू कंस्ट्रक्शन ओनली इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर। उसके बाद हेडिंग एंड टाइटल ऑफ ए चैप्टर, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ ए चैप्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो चैप्टर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर 11 हमने क्या बोला? हमने बोला अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, और सेक्शंस की ग्रुपिंग कर दी कि यहां पे वी हैव सेक्शन 149 से 172। तो क्या ये इंटरप्रिटेशन के लिए काम आएगा? यहाँ पे दो व्यूज हैं, एक सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरप्रिटेशन के लिए हमेशा काम आएगा, और दूसरे सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरप्रिटेशन के लिए सिर्फ तब काम आएगा जब एम्बिगिटी एग्जिस्ट करती हो। तो एक सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई इंटरप्रिटेशन के लिए हमेशा काम आएगा, और दूसरे सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरप्रिटेशन के लिए सिर्फ तब काम आएगा जब एम्बिगिटी एग्जिस्ट करती हो। उसके बाद वी हैव मार्जिनल नोट्स। तो मार्जिनल नोट्स, जैसे कि आपने बैर एक्ट में देखा होगा कि बैर एक्ट में कभी कभी क्या होता है, बैर एक्ट में आपको छोटे छोटे नोट्स दिखाई देते हैं, बैर एक्ट के अंदर आपको एक छोटे छोटे नोट्स दिखाई देते हैं जो साइड में एफिक्स रहता है। तो क्या वो जो मार्जिनल नोट है वो इंटरप्रिटेशन के लिए काम आएगा क्या? तो नॉर्मली हमने कहा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है एग्जाम के लिए, सीआईटी वर्सेज अहमद भाई उमर भाई एंड कंपनी, सीआईटी वर्सेज अहमद भाई उमर भाई एंड कंपनी, कि मार्जिनल नोट नॉर्मली इंटरप्रिटेशन के लिए काम नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्जिनल नोट अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, अगर मार्जिनल नोट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, वो इंटरप्रिटेशन के लिए काम आएगा। तो नॉर्मली आम तौर पे मार्जिनल नोट इंटरप्रिटेशन के लिए काम नहीं आएगा, लेकिन अगर मार्जिनल नोट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, वो इंटरप्रिटेशन के लिए काम आएगा। उसके बाद वी हैव डेफिनेशनल क्लॉजेस, जैसे कि चीज़ें डिफाइंड होती हैं, कंपनी डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, फॉरेन कंपनी डिफाइन की गई है 2 क्लॉज 42 के अंदर। तो चीज़ें डिफाइन होती हैं, हर एक टर्म का एक डेफिनेशनल क्लॉज होता है। तो क्या वो इंटरप्रिटेशन के लिए काम आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या यहाँ अपने को एम्बिगिटी चेक करना है? नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल भाई जहाँ भी वर्ड रिलेटिव यूज होगा, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन में जाओगे, आप चेक करोगे रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन है, उसके बाद ही रीड करोगे। यानी डेफिनेशनल क्लॉज इंटरप्रिटेशन के लिए हमेशा काम आता है, कोई डाउट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और डेफिनेशन डालने का क्या बेनिफिट होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनीज एक्ट में हजारों जगह वर्ड कंपनी यूज हुई है, लेकिन लॉ मेकर ने एक जगह कंपनी डिफाइन करके छोड़ दिया, अब उसे बार बार कंपनी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वही सेम मीनिंग थ्रू आउट द एक्ट चलता रहेगा। डेफिनेशनल क्लॉज में कुछ चीजें ध्यान रखने की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डेफिनेशन स्टार्ट होता है विद द वर्ड मीन्स, अगर एक डेफिनेशन स्टार्ट होता है विद द वर्ड मीन्स, उसका मतलब होता है कि वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन की बाउंड्री के बाहर कुछ नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं कंपनी, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अर्लियर एक्ट, यानी वो जो कंपनी का डेफिनेशन है वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के बाहर कुछ नहीं हो सकता। और जब हम कहते हैं वर्ड इंक्लूड्स, उसका मतलब होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी जो डेफिनेशन में लिखी गई है वो तो है, इसके अलावा और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इनकम टैक्स एक्ट में देखते हो डेफिनेशन ऑफ इनकम, हमेशा लिखा रहेगा इनकम इंक्लूड्स, बिकॉज हम लोग बहुत शाने हैं, अगर उसने इनकम मीन्स कर दिया होता और इनकम मींस के अंदर चार टर्मिनोलॉजीज यूज कर ली होती, हमने कोई पांचवा फॉर्म ऑफ इनकम जनरेट कर लिया होता। तो इसलिए उसने क्या यूज किया? इनकम इंक्लूड्स, मतलब इनकम के डेफिनेशन में जो चीजें दी गई हैं वो तो है ही है, बट उसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या इलस्ट्रेशंस इंटरप्रिटेशन के लिए काम आता है? द आंसर इज यस, इलस्ट्रेशंस भी इंटरप्रिटेशन के लिए काम आता है, बट इलस्ट्रेशन सेक्शन का पार्ट नहीं होता, इलस्ट्रेशन एक एक्स्ट्रा चीज होती है और वो सेक्शन के स्कोप को भराता नहीं है, घटाता नहीं है, वो तो सिर्फ चीजों को क्लैरिफाई करता है।
उसके बाद वी हैव प्रोवाइजोज, अगेन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोवाइजो इंटरप्रिटेशन के लिए काम आएगा? प्रोवाइजो का एग्जाम्पल दे दें सर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में आप देखते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 15, फिर आगे सेक्शन में कहा गया है प्रोवाइडेड दैट मोर देन 15 डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन, तो वो जो प्रोवाइडेड दैट वर्ड यूज किया है वो क्या है? प्रोवाइजो है, उसने क्या कर दिया? एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया, एक्ट का एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया या प्रोविजन का एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया। साथ ही साथ प्रोवाइजो कुछ नई कंडीशंस को इंसर्ट करने के लिए भी काम आ सकती है, और कभी कभी किसी नए कॉन्सेप्ट को इलाबरेट करने के लिए भी काम आ सकता है, कुछ एडिशनल कंडीशंस इंसर्ट करने के लिए भी काम आ सकती है, किसी नए कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल जो ओपीसी का पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोवाइजो के थ्रू समझाया हुआ है। वी हैव एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या? एक्सप्लेनेशन का क्या पर्पज होता है? एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कुछ क्लैरिफाई करना, सेक्शन में क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, किसी एम्बिगिटी को दूर करना। एंड वी हैव शेड्यूल्स, शेड्यूल्स भी इंटरप्रिटेशन के लिए काम आता है, हमेशा आता है चाहे एम्बिगिटी है या नहीं है। बट मान लीजिए कभी भी अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है बिटवीन एक्ट वर्सेज शेड्यूल, तो इन दैट केस हमेशा एक्ट क्या करेगा? शेड्यूल के ऊपर प्रिवेल करेगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन दी है यहाँ पे, जैसे नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉट स्टैंडिंग? एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। नॉट विथस्टैंडिंग जब वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है, जब मैं कहता हूँ नॉट विथस्टैंडिंग कि भाई तू बाहर में जा, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तू बाहर में जा जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। यानी जब एक सेक्शन के अंदर वर्ड नॉट विथस्टैंडिंग यूज होता है वो कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरी बात माननी होगी तुम्हारी बात नहीं फॉलो करनी, वो होता है नॉट विथस्टैंडिंग। जबकि सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू का मतलब मैं सामने वाले सेक्शन को अपने से ऊपर जगह दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई सब्जेक्ट टू, मतलब वैसे तो मेरी बात वैलिड है लेकिन सब्जेक्ट टू कि अगर किसी और सेक्शन में कोई और बात लिखी गई होगी आप दूसरे सेक्शन की बात मान लेना वरना मेरी बात मान लेना, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट टू। अब नॉट विथस्टैंडिंग एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज होता है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज टेक्निकल वर्ड है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, और ये क्या करता है? सारे प्रोविजंस को ओवरराइड करता है। जबकि सब्जेक्ट टू क्या होता है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ ए नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, इट इज द ऑपोजिट ऑफ ए नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। अब देखना ये जो सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमने देखे वो इंटरनल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन थे, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अपने को इंटरप्रिटेशन के टूल्स मिले। काफी सारे एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर भी अपने को टूल्स मिलते हैं जो इंटरप्रिटेशन के लिए काम आती है। जैसे कि कभी कभी जुडिशरी क्या करती है? पुराने लॉज को रेफर करती है, हिस्ट्री में जाती है, फॉरेन जजमेंट्स रेफर करती है, पुराने लॉ में क्या लिखा था, कभी कभी डिक्शनरी लेके बैठ जाती है, पता चलता है कि एक जज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेके बैठा है कि भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में टर्म का क्या मतलब है, पुराने एक्ट में इस चीज का क्या मतलब था, पुराने कानून में क्या लिखा था, हिस्ट्री में क्या डिसाइड हुआ था, राइट? तो ये सारी चीजें यहां पे यूज होती हैं। एंड लास्टली वी हैव इन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, हाउ विल यू इंटरप्रेट द डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अब डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करोगे? तो जब भी आप किसी डीड को इंटरप्रेट करोगे, जब भी किसी डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करोगे, हमें कुछ गोल्डन रूल्स हैं, आप हमेशा एक रीजनेबल मैन की तरह इंटरप्रेट करें, अपने आप को राम जेठ मलानी या फिर अरुण जेटली ना समझें, एक रीजनेबल मैन की तरह इंटरप्रेट करें कि उस डीड के शब्दों का क्या मतलब है। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी ऑफ मीनिंग, अंग्रेजी में क्या होता है कि एक ही शब्द के मल्टीपल मीनिंग निकल के आते हैं, तो आप क्या करोगे भाई, एक वर्ड के मतलब अगर आपने चूज करी है तो जो मतलब आपने रखा है आप वही पूरे एक्ट में पूरे डीड में अप्लाई करोगे। तो सबसे पहला रूल है इंटरप्रेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीजनेबल मैन, एंड दूसरा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ मीनिंग, तीसरा है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के अंदर छोटे छोटे रूल्स हैं, जैसे कि आप जब भी किसी डीड को रीड करोगे आप पहले पार्टीज का इंटेंशन चेक कर लो कि पार्टीज का इंटेंशन क्या था, पार्टीज का इंटेंशन क्या था, पार्टीज का इंटेंशन क्या था, उसके बाद आप वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें। भाई सिंपल सी चीज है, आई लव यू का मतलब तो अलग अलग हो सकता है, भाई मैं अपने दोस्त को भी आई लव यू बोल सकता हूँ, या फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी आई लव यू बोल सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ को भी बोल सकता हूँ, मदर को भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे आई लव यू का एक्चुअल मतलब जानना है, मुझे जानना होगा कि मेरा इंटेंशन क्या था, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट को एज ए होल रीड करना है, मुझे सर्कमस्टेंसेस कंसिडर करनी है कि जो वर्ड यूज की गई थी कौन से सर्कमस्टेंस में यूज की गई थी, और जो वर्ड्स यूज किया था वो किसने यूज किया था, उन पार्टीज का स्टेटस क्या है, उन पार्टीज की ट्रेनिंग कितनी है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड, एक डीड एंटर किया गया है दो नॉर्मल पार्टीज के बीच तो लेमन वर्ड्स होंगे, लेकिन अगर दो डीड एंटर किया गया है बिटवीन राम जेठ मलानी और अरुण जेटली जी, तो वहां पर क्या होगा भाई, अपने को लॉक डिक्शनरी लेके बैठनी होगी।
तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आप इंटरप्रेट करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीजनेबल मैन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मीनिंग का ध्यान रखें, गोल्डन रूल का ध्यान रखें, एसर्टेन करें इंटेंशन ऑफ पार्टीज, पूरा डॉक्यूमेंट रीड करें, कंसिडर करें कौन से सर्कमस्टेंसेस में वर्ड यूज की गई थी, पार्टीज का ट्रेनिंग क्या है, पार्टीज का स्टेटस क्या है, और एक इनवैलिड क्लॉज से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इनवैलिड नहीं हो जाएगा। एक इनवैलिड क्लॉज से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इनवैलिड नहीं हो जाएगा। और मान लीजिए एक ही डीड के अंदर दो ओवरराइडिंग क्लॉजेस हैं, लीज डीड हम रीड कर रहे हैं, पहले लिखा है 5 years tenure है, फिर लिखा 99 years है, तो अर्लियर क्लॉज क्या करेगा, ओवरराइड करेगा लेटर वन, अर्लियर क्लॉज क्या करेगा, ओवरराइड करेगा लेटर वन। तो ये क्या है, कुछ वेरियस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि आप डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को क्या करोगे, कैसे इंटरप्रेट करोगे। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, कंपलसरली आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एग्रीमेंट के अंदर ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकती है या फिर एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकती है, एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल भी हो सकता है या फिर हो सकता है लीगली इन्फोर्सिएबल ना भी हो। और जो एग्रीमेंट है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है विच स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड्स, तो वो आपको पूछेगा एक ऑरल एग्रीमेंट एंटर किया है कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर एग्रीमेंट है क्या, द आंसर इज यस। वो आपको पूछेगा कि एक एग्रीमेंट एंटर किया गया है जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो क्या वो कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर एग्रीमेंट है क्या, द आंसर इज यस। उसके बाद कार्टल का डेफिनेशन है, कार्टल का डेफिनेशन अगेन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है विच यूज द वर्ड इंक्लूड्स। तो कार्टल क्या होता है, कार्टल एक एसोसिएशन होता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, वो सब मिल गए और उन सब ने मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली। वो सब मिल गए और सब ने मिलकर क्या कर लिया, एक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया, प्राइस को लिमिट कर लिया, प्रोडक्शन लिमिट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट कर लिया। जैसे कि ओपेक एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है कार्टल का। उसके बाद एंटरप्राइज का डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटरप्राइज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एंटरप्राइज के डेफिनेशन में कवर होगा उसके ऊपर कॉम्पिटिशन लॉ एप्लीकेबल होगा। तो एंटरप्राइज मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, एंटरप्राइज मतलब कोई भी डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एंटरप्राइज मतलब कोई भी डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मतलब सारी एक्टिविटीज कवर की है यहाँ पे, प्रोडक्शन से लेके स्टोरेज से लेके सप्लाई से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सर्विस तक हर एक एक्टिविटी कवर्ड है। तो एंटरप्राइज मीन्स एनी पर्सन और द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंगेज इन एनी एक्टिविटी प्रोडक्शन स्टोरेज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन आप इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हो तब भी एंटरप्राइज के डेफिनेशन में कवर्ड हो, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तब भी एंटरप्राइज के डेफिनेशन में कवर्ड हो, आप सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तब भी आप एंटरप्राइज के डेफिनेशन में कवर्ड हो। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दैट व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज। तो सॉवरिन फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज, दैट इज एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस एंड स्पेस। तो ये जो चार सॉवरिन फंक्शंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस एंड स्पेस, ये एंटरप्राइज के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। यानी वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गवर्नमेंट सपोज वाटर सप्लाई का काम कर रही है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो वाटर सप्लाई का काम करती है, तो क्या वो कॉम्पिटिशन एक्ट उसके ऊपर लगेगा? जी हाँ लगेगा, बिकॉज वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो वाटर सप्लाई का सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो एंटरप्राइज के डेफिनेशन में कवर होती है, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एंटरप्राइज के डेफिनेशन में कवर होती है कॉम्पिटिशन एक्ट भी लगेगा। अगला डेफिनेशन है कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक वो बंदा जिसने गुड्स परचेज किया कंसिडरेशन पे करके, वो भी कंज्यूमर है, और साथ में अगर उसने किसी को गुड्स गिफ्ट में दे दिए तो जो यूजर ऑफ गुड्स है वो भी कंज्यूमर है। तो जिस बंदे ने गुड्स परचेज किया कंसिडरेशन पे करके वो तो कंज्यूमर है ही है, जिस बंदे ने गुड्स यूज किया वो भी कंज्यूमर है, चाहे वो गुड्स परचेज की गई हो रीसेल पर्पस के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए या पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो गुड्स परचेज की गई हो रीसेल पर्पस के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए या पर्सनल यूज के लिए। सिमिलरली जिस बंदे ने सर्विस हायर करी, सर्विस अवेल करी, अब जब तुम सर्विस लेते हो, तुम डॉक्टर की सर्विस लेते हो, तुम ये नहीं बोल सकते मैंने डॉक्टर की सर्विस खरीद ली, तुम ये बोलते हो मैंने डॉक्टर की सर्विस अवेल करी। तो कोई भी बंदा जो डॉक्टर की सर्विस अवेल करता है या फिर हु इंक्लूड्स अ बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस, वो भी कंज्यूमर के डेफिनेशन में कवर्ड है, चाहे वो सर्विस जो आपने हायर करी है या आपने अवेल करी है वो चाहे कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए हो। अगेन यहाँ पे रीसेल वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज लॉजिकली आप सर्विसेज को रीसेल नहीं कर सकते, आपने परचेज नहीं किया था तो सेल कैसे करोगे, आपने जब परचेज नहीं किया तो सेल कैसे करोगे। अगर गुड्स के डेफिनेशन की बात करें तो गुड्स मतलब वो गुड्स जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर्ड है, उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर करते हो,
इंपॉर्टेंट मार्क करना डिबेंचर्स स्टॉक एंड शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट. डिबेंचर्स स्टॉक एंड शेयर आफ्टर अलॉटमेंट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, यानी कि डिबेंचर्स स्टॉक एंड शेयर बिफोर अलॉटमेंट डज नॉट कम इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड रियाफर इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड और कंट्रोल्ड इन इंडिया. उसके बाद देखना सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स एंड सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. सेक्शन 3 क्या होता है? एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट. एंटी कॉम्पिटेटिव मतलब आपने कॉम्पिटिशन के स्पिरिट के अगेंस्ट जाके काम किया. दो पर्सन्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने, सर्विस प्रोवाइडर्स ने आपस में एग्रीमेंट बना लिया और एग्रीमेंट बना के प्राइस फिक्स कर लिया कि हम तो इतना ही प्राइस में बेचेंगे, हम तो इतना ही प्राइस में परचेज करेंगे. आपने प्रोडक्शन लिमिट कर दी, हम तो इतना ही माल बेचेंगे. आपने मार्केट डेवलप कर फिक्स कर दिया, मार्केट आपस में डिसाइड कर लिया कि हम तो इसी मार्केट के में काम करेंगे. हम आपने टेक्निकल डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट कर ली, सब ने मिलकर एग्रीमेंट बना लिया कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप ही नहीं करेगा, नो वन इज गोइंग टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी. आपने इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्ट कर ली कि कोई भी नया बंदा, कोई भी हम में से कोई भी इन्वेस्टमेंट लेकर ही नहीं आएगा मार्केट में. तो एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब क्या हो गया कि अलग अलग प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, आप लोग मिलकर क्या कर रहे हो? आप लोग परचेज फिक्स कर दे रहे हो, परचेज प्राइस फिक्स कर दे रहे हो, सेल प्राइस फिक्स कर दे रहे हो, प्रोडक्शन में लिमिट लगा दे रहे हो, सप्लाई में लिमिट लगा दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट में लिमिट लगा दे रहे हो. आपस में आपने मार्केट डिवाइड कर लिया. फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी ने सेटिंग कर ली, भाई बॉम्बे के अंदर कोक बिकेगा, दिल्ली के अंदर पेप्सी बिकेगा. तो आपने ज्योग्राफिकल मार्केट डिवाइड कर लिया, आपने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिवाइड कर लिए, आपने बिड रिगिंग किया, आपने कॉल्यूसिव बिडिंग किया, मतलब आपने फॉल्स बिडिंग प्रोसेस किया. जो ऑक्शन होता है, जो बिडिंग होता है, आपने उस पर फॉल्स बिडर्स बैठा दिए, या आपने किसी को रोक दिया टू कम इन द बिडिंग प्रोसेस. आपने किसी को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया बिडिंग में. आपने बोला भाई मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए देता हूं, तो बिडिंग प्रोसेस अटेंड ही मत कर, तू बिडिंग में पार्टिसिपेट ही ना कर. तो आपने किसी को रोक दिया, आपने कॉम्पिटिशन को कम कर दिया. ये सारा क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव है. और माना जाएगा कि इसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन में और इसे वॉइड करार किया जाएगा. माना जाएगा कि इसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन के अंदर और इसे वॉइड करार किया जाएगा. सिमिलरली सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 कहता है, 5 अलग अलग एग्रीमेंट्स की बात करता है जो एंटर की जाती है एट डिफरेंट स्टेजेस और लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. 5 अलग अलग एग्रीमेंट्स की बात की जाती है, 5 अलग अलग एग्रीमेंट्स की बात की गई है जो एंटर की जाती है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. तो 5 अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स हैं जो एंटर किए जाते हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन. कौन से 5 है सर? पहला टाई इन अरेंजमेंट, दूसरा एक्सक्लूसिव सप्लाई, तीसरा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद रिफ्यूजल टू डील एंड 5वां रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. टाइम अरेंजमेंट के अंदर क्या हो गया? भाई मैंने तुम्हारे सामने शर्त रख दी, भाई तुमको मेरी ऑडिट की क्लास परचेज करनी है ना, तो ऑडिट के क्लास के साथ साथ मान लो तुमको मेरे से लेट अस से स्टेशनरी भी परचेज करना पड़ेगा. स्टेशनरी तो चलो फिर भी कनेक्टेड है, भाई तुमको क्या करना पड़ेगा? राशन पानी भी परचेज करना पड़ेगा. तो यार क्या कर रहा हूं मैं ऑडिट के क्लास के साथ साथ मैं क्या बोल रहा हूं, तुमको राशन पानी भी परचेज करना पड़ेगा. आई एम फोर्सिंग यू टू परचेज सम अदर गुड्स. एक एग्रीमेंट एंटर किया जा रहा है जहां पे हम फोर्स कर रहे हैं परचेजर को कि भाई तू दूसरा गुड भी परचेज कर. वो क्या होता है? टाई इन अरेंजमेंट. एक्सक्लूसिव सप्लाई, एक्सक्लूसिव सप्लाई क्या हो गया? मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं परचेज करने के लिए, मैंने सेलर डिफाइन कर दिया कि भाई कौन सप्लायर होगा. एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया एलोकेट कर दिया, मैंने मार्केट फिक्स कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यहीं से होगा. रिफ्यूजल टू डील, मैंने बोला कि मैं अपने क्लास में सिर्फ अमीरों को पढ़ाऊंगा, मैं अपने क्लास में गरीबों को नहीं पढ़ाऊंगा. मैंने बोला कि मैं अपने क्लास में सिर्फ व्हाइट स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, ब्लैक स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगा. सिर्फ ब्लैक स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, व्हाइट स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगा. सिर्फ हिंदूज को पढ़ाऊंगा, मुस्लिम्स को नहीं पढ़ाऊंगा. सिर्फ मुस्लिम्स को पढ़ाऊंगा, हिंदूज को नहीं पढ़ाऊंगा. तो मैंने क्या कर दिया? मैंने रिफ्यूजल टू डील कर दिया कि आई विल बी डीलिंग ओनली विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल. एंड देन वी हैव द रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या होता है? मान लीजिए ए ने माल परचेज किया 100 रुपए में, तो ये जो 100 रुपए है या तो इसका परचेज प्राइस है या मान लीजिए इसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, और बी को बेच दिया लेट अस से 120 रुपए में, और एक कंडीशन फिक्स कर दी कि भाई तू 120 से नीचे नहीं बेच सकता. एक कंडीशन फिक्स कर दिया कि तू 120 से नीचे नहीं बेच सकता, तेरे को 120 लेना ही होगा. तो वो होता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, वो होता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. तो ये 5 अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स हैं जो एंटर की जाती है एट डिफरेंट स्टेजेस और लेवल्स, दैट इज टाइम अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल टू डील एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. उसके बाद आता है सेक्शन 4, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. कोई एंटरप्राइज मार्केट में डोमिनेंट है,
डोमिनेंट है, बहुत डोमिनेंट है. फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट एक डोमिनेंट पोर्शन एक्साइज करता है रिटेल सेक्टर के अंदर. तो कोई एंटरप्राइज डोमिनेंट है और अब वो क्या कर रहा है, अपने डोमिनेंट पोजिशन को अब्यूज कर रहा है, डोमिनेंट पोर्शन का गलत फायदा उठा रहा है. तो कब माना जाएगा कि आप अपने पोजिशन को अब्यूज कर रहे हो? अगर आप अनफेयर प्राइसिंग लगाते हो, अगर आप प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हो. प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है सेलिंग बिलो द कॉस्ट प्राइस. अगर आप अपने कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेच रहे हो, अगर आप अपने कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेच रहे हो अपने डोमिनेंस का फायदा उठाते हुए, या फिर आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, टेक्निकल डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप नए बंदों को मार्केट में आने नहीं दे रहे, आप डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस कर रहे हो. आप नए बंदों को मार्केट में आने ही नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हो, डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी मोनोपली है, आपने मार्केट में सबको बोल दिया है भाई तेरे को मेरे साथ काम करना है तो तू किसी और के साथ काम नहीं करेगा, और आपकी मोनोपली है, ज्यादातर लोगों का रेवेन्यू आपसे ही चलता है, और आपने उसके साथ सीधा सीधा एग्रीमेंट लगा दिया तेरे को मेरे साथ काम करना है तो किसी और के साथ काम नहीं करेगा, तो आपने क्या कर दिया, डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस कर दिया, आपने नए प्लेयर को आने से रोक दिया. या फिर आप क्या करते हो, फोर्सफुल सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन हैविंग नो कनेक्शन विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फोर्सफुल सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन हैविंग नो कनेक्शन विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया, बिल्कुल टाइन जैसा हो गया, बिल्कुल टाइन जैसा हो गया. टाइन में क्या था, रिलेटेड चीजें भी हो सकती थी कि भाई तेरा, तू मेरा ऑडिट परचेस करेगा तेरे को लॉ भी परचेस करना पड़ेगा, टाई इन. बट सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन में क्या हो गया एग्जैक्टली, कि तुम मेरा ऑडिट परचेस करोगे तुमको राशन पानी भी परचेस करना पड़ेगा. मतलब आई एम फोर्सिंग यू टू बाय समथिंग विच हैज नो कनेक्शन विद सब्जेक्ट मैटर. एंड क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज मेरा वहां डोमिनेंट पोजीशन है. मुझे सपोज पता है कि भाई बच्चा ऑडिट परचेस करेगा तो मेरे से ही परचेस करेगा, तो मैंने क्या किया वहां पे, अपना डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज किया. मैंने तुमको फोर्स किया कि भाई तुम मेरे से वो चीज भी परचेस करेगा जिसका ऑडिट से कोई कनेक्शन नहीं है. तो आई हैव फोर्स्ड यू, फोर्सफुल सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन हैविंग नो कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मैटर. एंड पांचवा, तुम एक मार्केट में डोमिनेंट हो और तुमने अपने डोमिनेंस को यूज करके तुमने दूसरे मार्केट में एंट्री की. तुम एक मार्केट में डोमिनेंट हो, तुमने वहां अपने डोमिनेंट पोजीशन को यूज करते हुए दूसरे मार्केट में अपनी डोमिनेंस बनाई, दूसरे मार्केट में अपनी जगह बनाई. तो भाई नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन. और यहाँ पे पांच पॉइंट्स हैं, पहला प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहे हो, दूसरा प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस कर रहे हो, सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस फोर्स कर रहे हो, या एक मार्केट में अपने डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके दूसरे मार्केट में एंटर कर रहे हो. सेक्शन 5 में कॉम्बिनेशन की लिमिट्स दी है. अब देखना सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब दो एंटरप्राइजेस मिलते हैं तो वो एंटरप्राइजेस मिलकर कभी कभी इतनी बड़े बन जाते हैं कि वो चाहे तो पूरे कॉम्पिटिशन की बैंड बजा दें. कि अगर दो कोई एंटरप्राइजेस मिलते हैं वो इतने बड़े बन जाते हैं कि चाहे तो पूरी कंपटीशन की वाट लगा दे. इसीलिए वहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है. जब भी दो कंपनियां मिलती है, जो दो एंटरप्राइजेस मिलते हैं, दो ग्रुप्स मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि मिलने के बाद उनका एसेट बेस कितना है, टर्न ओवर बेस कितना है. एंड अगर एसेट और टर्न ओवर बेस बहुत ज्यादा है तो वहां CCI का अप्रूवल चाहिए होता है. अब कितना बेस देखेंगे यहाँ पे, देखना सबसे सिंपल सी चीज़ है. आप क्या करोगे, पहले हमेशा दो टेबल बना दोगे, पहले इंडिविजुअल के लिए मतलब एक कंपनी ने दूसरे को एक्वायर किया, और दूसरा ग्रुप के लिए मतलब पूरी ग्रुप कंपनीज के समेत एक्वायर किया. अब देखना यहाँ पे आप तीन कॉलम्स बना लोगे, लोकेशन एसेट टर्नओवर, तीन कॉलम्स बना लोगे लोकेशन एसेट टर्नओवर, दो रोज बना लोगे इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. तो आपने तीन कॉलम बना लिया, आपने तीन कॉलम्स, आपने क्या कर लिया, तीन पार्टीशन कर दिया लोकेशन एज अ टर्नओवर, एंड आपने साथ ही साथ यहाँ पे दो पार्टीशन कर दिया इन इंडिया एंड इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. अब आपको सिर्फ एक लिमिट याद रखनी है, देखना एसेट ग्रेटर देन 2000 करोड़, एसेट ग्रेटर देन 2000 करोड़. आपने ये लिमिट याद कर ली, अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2. तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 6000, डिवाइड बाय 2 कितना 1000, डिवाइड बाय 2 कितना 3000. खाली डिफरेंस क्या आएगा, बिकॉज यहाँ पे लोकेशन इन इंडिया के साथ आउटसाइड इंडिया भी है, यहाँ पे फॉरेन कंपनी के साथ मर्जर हो रहा है, तो यहाँ पे अपन मिलियन यूएस डॉलर देखेंगे इंस्टेड ऑफ रुपीज, यहाँ पे अपन मिलियन यूएस डॉलर देखेंगे. क्लियर है, इंस्टेड ऑफ रुपीज यहां पे क्या देखेंगे अपन, मिलियन यूएस डॉलर देखेंगे. और फिर आप क्या करो, अगले टेबल में मल्टीप्लाइड बाय 4, अगले टेबल में आप क्या करोगे मल्टीप्लाइड बाय 4. तो एक ये टेक्निक है जिसको यूज करके आप याद कर सकते हो. उसके बाद आप देखना, हम जब कहते हैं कि एंटरप्राइज डोमिनेंट है, किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाएगा टू डिटरमाइन कि एंटरप्राइज सच में डोमिनेंट है कि नहीं है. तो आप मार्केट शेयर देखें कि एंटिटी की मार्केट शेयर कितनी है, एंटिटी का साइज कितना बड़ा है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उसके कंज्यूमर्स कितने डिपेंडेंट है उस पर, हाउ मच द कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट,
काउंटरवेलिंग बाइंग पावर, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बाइंग पावर बहुत बल्क होता है, फॉर एग्जांपल मालवर्ट वॉलमार्ट बहुत ही बल्क बाइंग पावर है, वॉलमार्ट के पास इतना बड़ा बल्क बाइंग पावर है कि उसकी वजह से वो पूरी इंडस्ट्री में मोनोपोली एक्साइज करती है। कभी कभी कुछ लोग इकोनॉमी को बहुत अच्छा एडवांटेज पहुंचाते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं और उस वजह से क्या करते हैं वो डोमिनेंट पोजिशन एक्साइज करते हैं। तो आपका अगर आपका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, अगर आपके कंज्यूमर्स आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, अगर आपकी साइज बहुत बड़ी है, इफ़ यू हैव ए वेरी बिग बाइंग पावर, ऑल दिस आर द फैक्टर्स विच इंडिकेट यू आर डोमिनेंट। क्लियर है? अब देखना उसके बाद आप आए CCI क्या कर सकता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, अगर कोई भी एग्रीमेंट, अगर कोई भी एग्रीमेंट लगता है कि कोई एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव है तो वो कुछ ऑर्डर्स पास कर सकता है। कौन से ऑर्डर्स पास कर सकता है? वो ऑर्डर पास कर सकता है टू डिसकंटिन्यू सच एग्रीमेंट, नॉट टू एंटर सच एग्रीमेंट। वो ऑर्डर पास कर सकता है कि आप इस एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करें और दोबारा से इस एग्रीमेंट को एंटर ना करें। उस एंटिटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को एंटर करने की वजह से वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है अप टू 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर फॉर लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। एग्रीमेंट को मॉडिफाई करने को भी CCI बोल सकता है और जो भी रेलिवेंट डायरेक्शंस हैं वो दे सकता है। तो अगर CCI को लगता है कि कोई भी एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव एंटर होने वाली है तो CCI कर क्या कर सकता है, इट मे डायरेक्ट नॉट टू डिसकंटिन्यू सच एग्रीमेंट, इट मे डायरेक्ट टू डिसकंटिन्यू सच एग्रीमेंट, नॉट टू री एंटर सच एग्रीमेंट, इट मे इम्पोज पेनल्टी अप टू 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर, डायरेक्ट टू मॉडिफाई द एग्रीमेंट। एंड CCI अपने असिस्टेंस के लिए अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स भी बुलवा सकती है, उसके पास सारे सिविल कोड जितने पार्स होंगे। अब देखना जो CCI का चेयरमैन होगा, जो CCI का मेंबर होगा, वो लोग बहुत ईमानदार होने चाहिए, निष्ठा वाले होने चाहिए, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनका टर्म 5 ईयर्स का रहेगा एंड मैक्सिमम एज 65 ईयर्स रहेगा। सेक्शन 11 सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सेक्शन 11 रेजिग्नेशन की बात करता है। CCI का जो चेयरमैन है या मेंबर है वो रिजाइन कर सकता है, बट रेजिग्नेशन से पहले उसको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। 3 महीने का नोटिस का लॉजिक क्या है, ताकि तब तक सक्सेसर मिल जाए। तो अगर सक्सेसर 3 महीने से पहले आ जाए तो 3 महीने से पहले भी वो रिजाइन कर सकता है, या फिर मान लीजिए 1 महीने बाद मेंबर का टर्म खत्म हो रहा है तो भाई टर्म खत्म होते ही वो एक्सपायर क्या कर जाएगा, रिजाइन कर सकता है वो। तो रेजिग्नेशन शैल बी वैलिड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 3 month नोटिस, या फिर अंटिल ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एज अ सक्सेसर एंटर्स हिज ऑफिस, या फिर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, या फिर अगर उससे भी जल्दी जाना है तो आप CJ का अप्रूवल ले लें, विच एवर इज अर्लीस्ट। CCI के मेंबर या चेयरमैन को रिमूव करने के कुछ ग्राउंड्स हैं, दैट इज अगर बंदा इनसॉल्वेंट हो गया, ही इज कन्विक्टेड ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, ही हैज गॉट सम पेड एम्प्लॉयमेंट एंड ही हैज एक्वायर्ड सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड ही इज अब्यूजिंग हिज पोजिशन। तो इनफैक्ट 4 नहीं 6 ग्राउंड्स हैं यहाँ पे, से 6 ग्राउंड्स कर दीजिएगा, कि एक तो चेयरमैन या मेंबर क्या हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस किया उस बंदे ने, उसने पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो गया वो, या फिर उसने फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, या उसने पोजिशन अब्यूज कर लिया, या वो फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल हो गया, वो फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल हो गया। अब देखना ये जो 6 सर्कमस्टेंस हैं, इसमें 2 सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं, कौन से 2 सर्कमस्टेंसेज, एक तो एक्वायर द फाइनेंशियल इंटरेस्ट और एक अब्यूज द पोजिशन। इसमें 2 सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं, एक तो एक्वायर द फाइनेंशियल इंटरेस्ट और एक अब्यूज द पोजिशन। तो आप देखना यहाँ 2 ग्राउंड्स ऐसे हैं, दैट इज कि मेंबर ने क्या किया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया या अपने पोजिशन को अब्यूज कर लिया। ये 2 ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन या मेंबर को डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा बाकी जो ग्राउंड्स हैं, बाकी जो 4 ग्राउंड्स हैं, दैट इज इनसॉल्वेंसी, मॉरल टर्पिट्यूड, पेड एम्प्लॉयमेंट, फिजिकली और मेंटली बिकमिंग इनकैपेबल, इन सारे ग्राउंड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन या मेंबर को निकाल सकती है। मगर ये जो 2 ग्राउंड्स हैं कि भाई बंदे ने फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया या पोजिशन अब्यूज कर लिया, इन 2 ग्राउंड्स में उसे सुप्रीम कोर्ट को मामला रेफर करना होगा, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बैठाएगी और फिर डिसाइड करेगी कि चेयरमैन या मेंबर को निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद सेक्शन 12 है हमारे पास, रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। अब मान लीजिए लेट अस से आप CCI के चेयरमैन हो, ठीक है, आप जब CCI के चेयरमैन हो उस वक्त एक जियो का केस आता है सामने, एंड इन दैट वेरी सिचुएशन क्या होता है कि भाई जियो को क्लीन चिट मिल जाती है। अब लेटर ऑन जैसे ही आप रिजाइन करते हो आपको जियो में एक अच्छा पोस्ट मिल जाता है। आपको समझ आ रहा है क्या हुआ इस सिचुएशन में, क्या हुआ, क्यों हुआ? दैट इज वाई इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि अगर कोई भी ऐसी पार्टी थी जिसका केस चल रहा था कमीशन के सामने जिस वक्त आप चेयरमैन या मेंबर थे,
अगर ऐसी कोई भी पार्टी थी जिसका केस चल रहा था कमीशन के सामने, जिस वक्त आप चेयरमैन या मेंबर थे, तो 2 साल तक आप वहां कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो। 2 साल तक आप कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो। एक्सेप्शन इज कि इफ यू आर होल्डिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आप अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना चाहते हो तो चलेगा, किसी लोकल अथॉरिटी में काम करना चाहते हो तो चलेगा, किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो तो करना चाहते हो तो चलेगा। तो ये सारे क्या है, एग्जम्पशंस हैं। कुछ एग्जम्पशंस आए थे आरटीपी में 18 के जरिए अमेंडमेंट, कुछ एग्जम्पशंस आए थे, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स को एग्जम्पशन दिया गया है कि उनके ऊपर सेक्शन 5 और 6 नहीं लगेगा 5 ईयर्स के लिए। सेक्शन 5 और 6 क्या है, कॉम्बिनेशन की, जो कॉम्बिनेशन वाला सेक्शन है, सीसीआई अप्रूवल वाला सेक्शन है, वो नहीं लगेगा 5 सालों के लिए। वेसल शेयरिंग एग्रीमेंट्स को एग्जम्पशन दिया गया है कि उनके ऊपर सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो नेशनलाइज बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक्स के एमलगमेशन में भी सेक्शन 5 और 6 कॉम्पिटिशन एक्ट का नहीं लगेगा। तो रीजनल रूरल बैंक्स में सेक्शन 5 और 6 नहीं लगेगा, नेशनलाइज बैंक्स में नहीं लगेगा, और वेसल शेयरिंग एग्रीमेंट्स में सेक्शन 3 नहीं लगेगा, दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का जो सेक्शन है। उसके बाद अगले चैप्टर की अगर हम बात करें, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखना बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप मान के चलो लेट अस से सपोज ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लेडी डॉन। ये एक स्टोरी है लेडी डॉन के बारे में। अब वो लेडी डॉन क्या करती है, वो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज करती है। क्या करती है, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज करती है। इलीगल एक्टिविटीज में मर्डर, ड्रग का सप्लाई, गांजा, रैंसम, किडनैपिंग करना, इस तरीके के बहुत सारे एक्टिविटीज करती है। इन एक्टिविटीज से बहुत सारा पैसा कमाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। फिर उस पैसे को छुपाती है, कंसील करती है, प्रोसेस करती है, और उस पैसे को वो कन्वर्ट करना चाहती है वाइट मनी में, यानी उसे क्लेम करना चाहती है एज ए अनटेंटेड प्रॉपर्टी। अनटेंटेड प्रॉपर्टी मतलब क्लीन प्रॉपर्टी, वाइट प्रॉपर्टी। तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है वो क्या कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। अब वो अपने एक दोस्त के पास जाती है, उसका एक मेल फ्रेंड है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और कहती है कि मुझे क्या करो, मुझे मनी लॉन्ड्रिंग में असिस्टेंस दो, मुझे मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करो, बताओ कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करूं, बताओ कि मैं ब्लैक को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करूं। तो उसका दोस्त जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, देख तू सबसे पहले तो पैसे को ना फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दे, यू प्लेस द मनी ऑन टू द बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद तू क्या कर, तूने एक बार पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दिया, उसके बाद तू लेयरिंग कर। लेयरिंग मतलब चीजों को कॉम्प्लिकेट बना, कंटिन्यूअसली अपने फंड्स को मूव कर, एक जगह फंड्स को डाल के ना छोड़, कंटिन्यूअसली अपने फंड्स को मूव कर। कभी भी ओरिजिन आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि पैसा एक्चुअल में किसका लगा था, कहां से लगा था। और जब तूने प्लेसमेंट का काम कर दिया, जब तूने लेयरिंग का काम कर दिया, अब तूने अलग अलग ओरिजिन में जहां जहां पैसे लगाए हैं उन सबको मंगा, पैसे को इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट करके रियल स्टेट में लगा दे, इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ले, बॉलीवुड में लगा दे, ये सारे काम कर। तो उसके दोस्त ने सजेस्ट किया कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए 3 स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन। और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया था, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए क्या किया था कि भाई जो प्रोसेस और एक्टिविटी से आप क्राइम करते हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हो, उससे बहुत सारे पैसे कमाए, कंसील किए, प्रोसेस किए, छुपाया, अनटेंटेड प्रॉपर्टी की तरह प्रोजेक्ट किया। अब वो जो लेडी डॉन है वो और उसकी उसके फ्रेंड दोनों के दोनों क्या जाएंगे, जेल पे जाएंगे। Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist in the process of money laundering shall be punished with 3 to 7 years of imprisonment and fine. And अगर मामला narcotic drugs का है तो 3 to 10 years and fine. तो जो डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग का कांड करे या जो इनडायरेक्टली मदद करे, दोनों के दोनों पनिशेबल हैं सेक्शन 4 के तहत। सेक्शन 4 पेनल्टी की बात करता है, सेक्शन 3 डेफिनेशन की बात करता है, और पनिशमेंट लगेगा यहां पे 3 से 7 साल का इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, 3 से 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट एंड फाइन। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब भाई दुनिया का हर एक क्रिमिनल एक्टिविटीज चैप्टर में कवर्ड नहीं है, इस चैप्टर के अंदर कुछ शेड्यूल्ड ऑफेंसेज हैं, तो जो एक्टिविटीज शेड्यूल्ड ऑफेंसेज में फॉल करेगी सिर्फ वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में फॉल करते हैं। और शेड्यूल्ड ऑफेंसेज में 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल, पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल। पार्ट बी में वही ऑफेंसेज आएंगे जिनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपीज या मोर होगी, यहां पर लिमिट चेंज कर लीजिएगा। आपके नेक्स्ट स्टडी मैट में उन्होंने लिमिट चेंज कर दिया है और इस लिमिट को 30 लाख से इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया है।
तो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में क्या आएगा, पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल आएगा, पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल आएगा जहां पे अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज 1 crore और मोर, एंड पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल आएगा, और हर एक शेड्यूल्ड ऑफेंस को प्रेडिकेट ऑफेंस भी बोलते हो। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अभी अभी आया भी था एग्जाम में, दे रिसेंटली आस्क्ड इन May 18। इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टी में सब कुछ आएगा, यू टॉक अबाउट ए मूवेबल प्रॉपर्टी, यू टॉक अबाउट ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, यू टॉक अबाउट ए टेंजिबल एसेट, यू टॉक अबाउट ए इनटेंजिबल एसेट, यू टॉक अबाउट एसेट इन इंडिया, यू टॉक अबाउट एसेट आउटसाइड इंडिया, एवरीथिंग इज कवर्ड। मतलब आपने मनी लॉन्ड्रिंग का कांड करा, ब्लैक मनी कमाया, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट किया, प्रॉपर्टी दुबई में परचेज कर ली, तो वो भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद अगर इस चैप्टर में अपने को ये कॉन्ट्रावेंशन रोकने हैं तो कहीं ना कहीं बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दैट इज वाई सेक्शन 12 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इम्पोजेस सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने देखा होगा कि बैंक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, सारे क्लाइंट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, KYC नॉर्म्स मेंटेन करती है। आपका अकाउंट बंद भी हो जाए, आपने किसी बैंक में अकाउंट क्लोज कर लिया, कभी कभी लोग क्या करते हैं पता है, एक बैंक में बहुत ट्रांजैक्शन हो गया ना, बैंक में अकाउंट बंद करके चले जाते हैं, बट उनको यह नहीं पता कि बैंक ना उनके अकाउंट बंद होने के बाद भी ना 5 साल तक उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला है, 5 साल तक उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला है। प्लस आपको पता है आप तो जाके बैंक में बहुत टेंशन फ्री होकर ट्रांजैक्शन एंटर करते हो, लेकिन कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 2 लाख से ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट किया उसका इंटीमेशन चला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो ये सारे ऑब्लिगेशंस हैं बैंकों के ऊपर, ये सारे ऑब्लिगेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ये सारे ऑब्लिगेशन है बैंकों के ऊपर, ये सारे ऑब्लिगेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। अब देखना जो पॉमला है, जो पॉमला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये जो ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें जल्दी से आपको बेल नहीं मिलने वाला है, बेल नहीं मिलने वाला है। अब याद रखना पूरे लॉ के अंदर, पूरे कानून के अंदर एक चीज कॉमन है, जब भी हम बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो एक चीज कॉमन है। अपने यहाँ पे चैप्टर में कांड किसने किया था, लेडी डॉन ने किया था, और उसकी मदद किसने की थी, उसके एक मेल फ्रेंड ने की थी। अब यहाँ पे उसके मेल फ्रेंड को बेल नहीं मिल सकता, बट उस लेडी डॉन को बेल मिल सकता है आफ्टर द कंसेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज एक्सेप्शन है कि नॉर्मली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं मिलेगा, मगर स्पेशल कोर्ट बेल दे सकती है 3 circumstances में। पहला, एज इज लेस देन 16 years, या फिर accused पर्सन इज वूमेन, या फिर सिक या इन्फर्म पर्सन। इसलिए आपने देखा होगा कि महान पुरुष जब भी जेल में जाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, आपने मीडिया में ऐसी चीजें अक्सर देखी होंगी। पॉमला के मामलों को हैंडल करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स कंस्टिट्यूट किए गए हैं, जिससे कि स्पीडी ट्रायल हो, जिससे कि फास्ट ट्रायल हो, और स्पेशल कोर्ट इन ऑफेंसेस को तभी कंसिडर करेगा, कॉजेजेंस तभी लेगा, इन ऑफेंसेस को तभी कंसिडर करेगा अगर कंप्लेंट डायरेक्टर के थ्रू की गई है, डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर CG या SG के ऑफिसर के थ्रू की गई है, या फिर CG या SG के ऑफिसर के थ्रू की गई है। अपील्स के प्रोविजंस में ध्यान रखना कि पॉमला के अंदर देखना, हर एक अपीलेट चैप्टर में ना आप सिर्फ हायरार्की याद रखो, बीच का मसाला तो हर जगह सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हायरार्की है, सबसे पहले आता है हमारे पास एडजुकेटिंग अथॉरिटी, एडजुकेटिंग अथॉरिटी के बाद आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आता है हाई कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आता है हाई कोर्ट। तो सबसे पहले आता है एडजुकेटिंग अथॉरिटी, एडजुकेटिंग अथॉरिटी के बाद आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद क्या आता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आता है हाई कोर्ट। तो अब मसाला तो सेम रहने वाला है। फॉर एग्जांपल आप एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओगे, एडजुकेटिंग अथॉरिटी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा, अपना कॉपी ऑफ ऑर्डर आपको कम्युनिकेट करेगा। अगर आप एडजुकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं होते हो, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे तो वहाँ कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज प्रिस्क्राइब रहेगा, उस डिले को कंडोन किया जा सकता है। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज की बात सुनेगा, कॉपीज ऑफ ऑर्डर दोनों को कम्युनिकेट करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड कम्युनिकेट करेगा, फॉलो कर अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगा। फिर अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हो, आप हाईकोर्ट के पास जा सकते हो सर्टेन नंबर ऑफ डेज के अंदर, फिर हाईकोर्ट डिले कंडोन कर सकती है, फिर हाईकोर्ट दोनों की बात सुनेगा, फिर कॉपी ऑफ ऑर्डर कम्युनिकेट करेगा, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगा। तो ये जो मसाला है ये तो अपील के हर पार्ट में कॉमन रहने वाला है, आपको तो सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना है, बीच का मसाला तो आप लिख ही सकते हो। वन इज एडजुकेटिंग अथॉरिटी, अनदर इज अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड थर्ड इज द हाई कोर्ट, थर्ड इज द हाई कोर्ट। तो देखना इस चैप्टर में ना सेक्शन नंबर्स कौन कौन से याद रखने हैं आपको, इस चैप्टर में सेक्शन नंबर्स आपको कौन कौन से याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है सेक्शन 3, दैट इज डेफिनेशन,
सेक्शन 4 दैट इज पेनल्टी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 12 दैट इज ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 45 जो कहता है नेचर ऑफ ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, एंड सेक्शन 43 टू 47 विच टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कोड. सेक्शन 43 टू 47 विच टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कोड. तो कम से कम इतने प्रोविजंस तो यहां याद रखी लेने हैं इस चैप्टर के अंदर. इंश्योरेंस एक्ट अभी हम नहीं कवर करेंगे समरी के अंदर, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है बट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं चैप्टर के. बट समरी नोट्स में अगेन आई हैव गिवन यू जस्ट टू पेजेस, सिर्फ दो पेजेस दिए हैं मैंने आपको, बट ये दो पेजेस से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज हैं कि एग्जाम में पूछा जाएगा. इनफैक्ट पिछली बार भी यहीं से पूछा गया था. अब देखना अगला चैप्टर अगेन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम. इट इज कॉमन फॉर द ओल्ड सिलेबस एज वेल एज इट इज कॉमन फॉर द न्यू सिलेबस, दैट इज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, द SCRA एक्ट. नाउ अगर हम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो अगेन चैप्टर इज वेरी लॉजिकल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है. इस चैप्टर की माए बाप होने वाली है सेबी, दैट इज द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. पूरे चैप्टर पे सीजी सेबी रखते जाना अपने को. अब देखना अगर हम सेबी की, अगर हम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो सिक्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है. और कहीं ना कहीं इसके लिए प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने की भी बात की जाएगी. अब सबसे पहले चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज का डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इट्स ए इंक्लूसिव डेफिनेशन. सिक्योरिटीज के डेफिनेशन पे आप जो इमेजिन कर सकते हो सब इमेजिन कर लो. आप शेयर्स इमेजिन कर सकते हो, आप बॉन्ड्स इमेजिन कर सकते हो, आप डिबेंचर्स इमेजिन कर सकते हो, आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इमेजिन कर सकते हो, आप कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स इमेजिन कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इमेजिन कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स इमेजिन कर सकते हो, जो इमेजिन कर सकते हो सब इमेजिन कर लो. कोई भी यूनिट्स अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत इश्यू की गई है, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आ जाएगा. इनफैक्ट अगर आपका कोई बेनिफिशियल राइट भी है सिक्योरिटीज में तो वो भी सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आ जाएगा. अब देखना, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन. व्हाट इज इट भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है. पहले क्या था, जो स्टॉक एक्सचेंजेस थी, वो इंडिविजुअल्स हुआ करते थे, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ करते थे. बट वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे. तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने स्टॉक एक्सचेंजेस को मैंडेटरी कन्वर्ट कराया. हमने बोला कि आप अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को कॉर्पोरेट फॉर्म में कन्वर्ट करें, कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करें. हम वहाँ पे वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हम तुम्हें एक्सप्लॉयट नहीं करने देंगे लोगों को. तो जो बैंक सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज का बिजनेस आप इंडिविजुअल्स जैसे करते थे, आप सोसाइटी जैसे करते थे, अब वही बैंक सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज का बिजनेस आप कंपनी बन के करें. तो कॉर्पोरेटाइजेशन का डेफिनेशन एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है. कहा गया है कॉर्पोरेटाइजेशन मींस द सक्सेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीइंग द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट बाय अनदर स्टॉक एक्सचेंज विच इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज. अब देखना अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था एक्सप्लॉयटेशन रोकना. एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए क्या जरूरी है कि भाई ओनरशिप को हम ट्रेडिंग राइट से अलग रखें. अगर आपके पास ट्रेडिंग राइट्स हैं दैट डज नॉट मीन कि यू आर द ओनर. तो डीम्यूचुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया. डीम्यूचुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या बोला, सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. अब चाहे मामला कॉर्पोरेटाइजेशन का हो या फिर मामला डीम्यूचुअलाइजेशन का हो, दोनों ही केसेस में स्कीम बनने वाली है, स्कीम फॉर द कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन. अब स्कीम में क्या होगा, लॉजिकल सी चीज सोचें, पहले एक स्टॉक एक्सचेंज था, ये कौन था इंडिविजुअल था, ये कौन था बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था, ये कौन था सोसाइटी था. अब एक स्टॉक एक्सचेंज है, ये कौन है कंपनी है. अब सोचो इसका एसेट यहां जाएगा, इसकी लायबिलिटी यहां जाएगी, सोचो इसके एम्प्लॉयज यहां जाएंगे, इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स, इसके जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो यहाँ ट्रांसफर होंगे. अब आप सोचो जो नई स्टॉक एक्सचेंज है, जो कंपनी है, वो क्या करेगा, परचेज कंसिडरेशन इशू करेगा, राइट. और साथ ही साथ स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करना. तो यही सारे पॉइंट्स आपको स्कीम में डेफिनेशन में मिलेंगे. दैट इज
The transfer of assets, liabilities, rights, employees, legal proceedings, the issue of share for a lawful consideration, restriction of voting rights, यही सारी चीजें आपको स्कीम के डेफिनेशन में भी मिलेंगी. स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है. स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं. कॉमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि बायर और सेलर ने आज ही फ्यूचर एग्रीमेंट कर लिया. बायर और सेलर ने आज ही फ्यूचर एग्रीमेंट कर लिया कि कल को फ्यूचर डेट में एक स्पेसिफाइड प्राइस में अपन इतना क्वांटिटी परचेज करेंगे. कल को फ्यूचर डेट में फ्यूचर प्राइस में आपने कितना स्पेसिफाइड क्वांटिटी परचेज करेंगे. उसके बाद डेफिनेशन दी गई है स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का. स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एज द नेम सजेस्ट कि जहां पे आप सिक्योरिटीज का जो डिलीवरी है और जो सिक्योरिटीज का पेमेंट है या तो सेम डे कर रहे हो या नेक्स्ट डे कर रहे हो, या तो सेम डे कर रहे हो या नेक्स्ट डे कर रहे हो. तो जो सिक्योरिटीज का पेमेंट है, जो सिक्योरिटीज का डिलीवरी है, सेम डे कर रहे हो या नेक्स्ट डे कर रहे हो. लेकिन अगर पोस्ट की वजह से एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो एक्सक्लूड हो जाएगा. पोस्ट की वजह से अगर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो एक्सक्लूड हो जाएगा. या फिर अगर जब डीमैट सिस्टम की हम बात करते हैं और डीमैट सिस्टम में जब एक बेनिफिशियल ओनर अपना सिक्योरिटीज दूसरे बेनिफिशियल ओनर को ट्रांसफर करता है उस सिस्टम को तो हमेशा ही स्पॉट कहा जाता है. तो अगर हम डीमैट सिस्टम की बात करें और डीमैट सिस्टम के अंदर एक बेनिफिशियल ओनर अपनी सिक्योरिटीज दूसरे बेनिफिशियल ओनर को ट्रांसफर करता है उसको तो हमेशा ही स्पॉट कहा जाता है. So this is what you mean by spot delivery contract. Means a contract which provides for the actual delivery of securities, payment of price as of the same day or the next day. The period of post shall be excluded and any transfer of securities by the depository from the account of one beneficial owner to the account of another beneficial owner, right, shall also be included in the definition of spot delivery contract. Clear? Ab dekhna. सबसे पहले इस पूरे चैप्टर के अंदर ना माय बाप कौन है सेबी है. आपको जगह जगह सीजी मिलेगा बट आप ये मान के चलो कि भाई सीजी हैज डेलीगेटेड द पार्ट टू सेबी, तो सेबी कैन ऑल्सो बी यूज इंटरचेंजेबली. तो सबसे पहले सेक्शन 3 स्टॉक एक्सचेंज को क्या चाहिए? अपना रिकॉग्निशन करवाना है. तो स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन लेके जाती है सेबी के पास और कहती है सेबी 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 मुझे रिकॉग्निशन दे दो ना. तो सेक्शन 3 के अंदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जाती है सेबी के पास और कहती है सेबी 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 मुझको रिकॉग्निशन दे दो ना. सेक्शन 4 में सेबी क्या कहता है? रिकॉग्निशन ले लो, किसने मना किया है. और सेक्शन 5 में रिकॉग्निशन विथड्रॉ कर लेता है. मतलब सेक्शन 3 में रिकॉग्निशन का एप्लीकेशन दिया, 4 में रिकॉग्निशन 3 में एप्लीकेशन दिया, 4 में रिकॉग्निशन दे दिया और 5 में रिकॉग्निशन विथड्रॉ कर लिया. अब अगर सेबी को लगता है कि इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में है, स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है, सेबी रिकॉग्निशन दे सकता है. बट जब आप सेबी को एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन के साथ साथ आप चार बातें बताओगे. आप जब सेबी को एप्लीकेशन दोगे, आप सेबी को एप्लीकेशन के साथ साथ चार बातें बताओगे, चार चीजों के बारे में इन्फॉर्म करोगे, तब सेबी आपको रिकॉग्निशन देगा. पहली कि आपकी गवर्निंग बॉडी में कौन कौन है, स्टॉक एक्सचेंजेस की गवर्निंग बॉडी में कौन कौन है, उनके ऑफिस बियरर्स कौन है, उनके पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर के बनने का, एडमिशन का, सस्पेंशन का एंड एक्सपल्शन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है. एडमिशन का, सस्पेंशन का, एक्सपल्शन का, एडमिशन का, सस्पेंशन का, एक्सपल्शन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है. एंड आप किसी किसी को भी पार्ट, आप किसी को भी क्या करते हो, रजिस्टर कराते हो. आप पार्टनरशिप फर्म को अगर मेंबर की तरह रजिस्टर कराते हो तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है. अगर आप पार्टनरशिप फर्म को मेंबर की तरह रजिस्टर कराते हो उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है. तो सेक्शन 3 में जब आपने एप्लीकेशन दी ना तो आपने चार बातें एप्लीकेशन के साथ बताई. पहली चीज आपने बताई कि आपकी गवर्निंग बॉडी में कौन कौन है, आपके ऑफिस बेयरर्स के पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है, व्हाट इज द एडमिशन सस्पेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मेंबर्स क्राइटेरिया, एंड चौथी चीज की पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है. अब सेक्शन 4 में सेबी क्या करेगा, रिकॉग्निशन देगा. बट रिकॉग्निशन देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी कुछ कंडीशंस चेक करेगा. क्या कंडीशंस चेक करेगा? सबसे पहली चीज आप तो ये याद रख लीजिए. मान लीजिए आपने ना शादी का प्रपोजल दिया अपने घर वालों को. तो शादी के प्रपोजल दिए अपने घर वालों को, अब शादी का एप्लीकेशन अप्रूव करने से पहले घर वाले क्या देखेंगे? बोलेंगे भाई सामने वाले बंदे का या बंदी का क्वालिफिकेशन बताओ. भाई मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही चाहिए. फिर वो ये पूछेंगे कि तुम शादी किस तरीके से करना चाहते हो. वो ये कहेंगे कि भाई हम अपने रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे साथ रखेंगे. और मान लीजिए
मान लीजिए वो क्या कहेंगे कि भाई जो भी सामने वाला बंदा है, जो भी सामने वाला बंदा है, जब चाहे हम उसको ऑडिट कराएंगे बिकॉज हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो सेबी रिकॉग्निशन देते वक्त चार कंडीशंस इंपोज कर सकती है, जो मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से एंटर करने वाले हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपॉइंट कर सकती है, सेबी अपने रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकती है, सीजी अपना रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकता है, अप टू 3 रिप्रेजेंटेटिव्स दे कैन अपॉइंट, एंड दे विल आल्सो इंपोज अ कंडीशन कि वी विल डायरेक्ट यू हाउ द अकाउंट्स इज टू बी मेंटेन्ड एंड हाउ द ऑडिट इज टू बी डन। तो बिफोर ग्रांटिंग द रिकॉग्निशन टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, सीजी में इंपोज 4 कंडीशंस, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, मैनर इन विच द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटर्ड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीजी नॉट एक्सीडिंग 3, एंड द मैनर ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। जैसे ही रिकॉग्निशन मिल जाएगा यहां पे ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में चीजें नोटिफाई हो जाएंगी। अब देखना रिकॉग्निशन तो हो गया, बट रिकॉग्निशन कैसे हुआ, रिकॉग्निशन तो हो गया बट रिकॉग्निशन तो इंडिविजुअल्स को मिला, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को मिला, फिर आया स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, फिर आया स्कीम ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। तो सेक्शन 4 भी कहता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। तो कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए, डीम्यूचुअलाइजेशन के लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, स्कीम बनाई, और वो स्कीम किसको जमा किया, सेबी को जमा किया। अब सेबी क्या चेक करेगा, सेबी चेक करेगा कि वो स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। अगर स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है, सेबी अप्रूव कर देगा स्कीम को, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर देगा, और अगर स्कीम रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट देगा, और यहां भी ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज को हमने रिकॉग्निशन दिया था, हमने उसको डीमेचुलाइज करने की परमिशन नहीं दी है, हमने उसको कॉपरेटाइज करने की परमिशन नहीं दी है। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, स्कीम बनाएगा और स्कीम बना के सेबी को सबमिट करेगा। अगर स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सेबी अप्रूव कर सकती है, अगर स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो सेबी रिजेक्ट कर देगा। दोनों सिचुएशंस में ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन चला जाएगा, और सेबी जब स्कीम को अप्रूव करेगा तो सेबी यहां पे 3 रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो आपको याद रखने होंगे ये 3 रेस्ट्रिक्शंस कौन से हैं, राइट, दैट इज सेबी में रेस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, सेबी उनके वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, सेबी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, सेबी एक तरीके से शेयर होल्डर्स का जो राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का वो छीन सकती है, और सेबी खुद के रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। अब देखना ये जो पूरा स्कीम है कॉर्पोरेटाइजेशन डिमोचुलाइजेशन का, इसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट। इसमें ये ऑब्जेक्टिव था कि हम एक्सप्लॉइट ना करें चीज़ों को, इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रोकर्स के पास, मेंबर्स के पास शेयर होल्डिंग कम रहे और जनरल पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग ज़्यादा रहे। तो ज़रूरी है कि ब्रोकर्स के पास यानी कि मेंबर्स के पास शेयर होल्डिंग कम हो और मेंबर्स के पास, आउटसाइडर्स के पास ज़्यादा हो। इसलिए कहा गया कि 12 महीने के अंदर इंश्योर करना पड़ेगा कि 51% शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक का होना चाहिए। 12 महीने के अंदर इंश्योर करना पड़ेगा कि 51% शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक का होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंजेस के पास भी कुछ राइट्स हैं टू रेस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स। सेक्शन 7A, रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो हैज सर्टेन राइट्स टू रेस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स, बट द स्टॉक एक्सचेंज कैन एक्सरसाइज दिस राइट्स ओनली आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ सेबी। स्टॉक एक्सचेंजेस इन राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ सेबी का अप्रूवल लेने के बाद। कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं, सेबी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि हम वोटिंग राइट्स सिर्फ उन्हीं मैटर्स के लिए देंगे जो मीटिंग्स में प्लेस की जा रही हैं। हम वोटिंग राइट्स सिर्फ उन्हीं मैटर्स के लिए देंगे जो मीटिंग्स में पेश की जा रही हैं। हम एक मेंबर को एक ही वोट देंगे, भले ही एक मेंबर के पास ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल हो, दूसरे मेंबर के पास कम पेड शेयर कैपिटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो हर एक मेंबर को एक ही वोट देंगे। तीसरा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कि मेंबर्स अपना प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। तीसरा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा कि मेंबर्स अपना प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। एंड चौथा, सच इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंटल एंड सप्लीमेंट्री मैटर्स। यानी स्टॉक एक्सचेंजेस यहां चार रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। एक तो वोटिंग राइट्स का रेस्ट्रिक्शन सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को दे सकती है जिनके, उन्हीं मैटर्स के लिए दे सकती है जो मामला मीटिंग में प्लेस की जाए। हर मेंबर के पास सिर्फ एक ही वोट का राइट होगा और आप प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर पाओगे, या फिर सच अदर इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंटल मैटर। क्या सेबी रूल्स अमेंड कर सकती है? द आंसर इज येस। सेबी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के रूल्स अमेंड करने को बोल सकती है। अगर 2 महीने में स्टॉक एक्सचेंजेस ने रूल्स अमेंड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज ने 2 महीने के अंदर रूल्स अमेंड नहीं किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है बॉस, तूने अमेंड नहीं किया, हम अमेंड कर देंगे। सेबी कहती है भाई तूने अमेंड नहीं किया, हम अमेंड कर देंगे, और अमेंड करके ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर देंगे। तो सेबी क्या कर सकती है, रूल्स भी अमेंड कर सकती है स्टॉक एक्सचेंजेस का। 2 महीने के अंदर उनको ऑर्डर कंप्लाई करना पड़ेगा, और 2 महीने के अंदर ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया तो वो रूल्स खुद अमेंड कर सकते हैं, और उसका नोटिफिकेशन कहां चला जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में चला जाएगा।
उसके बाद क्या स्टॉक एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेट कर सकती है? द आंसर इज यस, स्टॉक एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेट कर सकती है मगर सेबी का अप्रूवल लेने के बाद। तो पूरे चैप्टर में माई बाप कौन है? पूरे चैप्टर में माई बाप सेबी है। सेबी का अप्रूवल लो, डीमटेरियलाइजेशन कराना है सेबी का अप्रूवल लो, रिकॉग्निशन कराना है सेबी का अप्रूवल लो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटअप करानी है सेबी का अप्रूवल लो। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कौन है भाई? जिसका काम है पीरियोडिकल सेटलमेंट्स करना, जिसका काम है कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना, सिक्योरिटीज का ट्रांसफर फैसिलेट करना। सिमिलरली क्या स्टॉक एक्सचेंजेस एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर सेट कर सकती है? द आंसर इज यस, स्टॉक एक्सचेंजेस एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर सेटअप कर सकती है एडिशनल ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए मगर सेबी का अप्रूवल लेने के बाद, मगर सेबी का अप्रूवल लेने के बाद। अच्छा मान लीजिए, अच्छा गवर्निंग बॉडी बन सेबी स्टॉक एक्सचेंज बन गया, उसकी गवर्निंग बॉडी कंस्टिट्यूट हो गई। याद करो जब सीजीपी एप्लीकेशन दिया था तो बताया था ना गवर्निंग बॉडी में कौन लोग हैं, बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्निंग बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड भी कर सकती है, मतलब पुराने गवर्निंग बॉडी को धक्के मार के बाहर निकाल सकती है और अपने लोग वहां पे अपॉइंट कर सकती है। बट सुपरसीड करने से पहले एक रिटन नोटिस देना होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। सुपरसीड करने से पहले एक रिटन नोटिस देना होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा, और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड कर सकती है, पुराने गवर्निंग बॉडी को हटाकर अपने चेयरमैन, अपने वाइस चेयरमैन वहां अपॉइंट कर सकती है यहां। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्शन भी दे सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को सस्पेंड भी कर सकती है टेम्पररी बेसिस में। इमरजेंसी आ गया, कोई इमरजेंसी अराइज हो गया, तो टेम्पररी बेसिस में स्टॉक एक्सचेंजेस को बिजनेस को सस्पेंड भी किया जा सकता है, बट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 days। एंड अगर आप 7 days से ज्यादा एक्सटेंड करते हो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट देना होगा। अगर आप 7 days से ज्यादा एक्सटेंड करते हो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट देना होगा। तो 7 दिन तक बिजनेस सस्पेंड भी किया जा सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट मार्क करें सेक्शन 15, मेंबर्स में एक्ट एज प्रिंसिपल इन सर्टेन केसेस। देखिए नॉर्मल से चीज है, आपका जो मेंबर है यानी आपका जो ब्रोकर है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में तभी एक्ट करेगा, यानी ब्रोकर अपने क्लाइंट के बिहाफ में तभी एक्ट करेगा अगर उसका जो प्रिंसिपल है वो उसको एक रिटन कंसेंट दे दे कि भाई तू मेरे बिहाफ में एक्ट कर। तो मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कैन एंटर इनटू द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट मिलने के बाद भी जब जब मेंबर अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में ट्रांजैक्शन एंटर करेगा वो क्लियरली डिस्क्लोज करेगा दैट ही इज एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ ए प्रिंसिपल। बट अगर कभी रिटन कंसेंट नहीं भी लिया जा सका कोई बात नहीं, आप पहले ओरल कंसेंट ले लें, 3 दिन के अंदर रिटन कंसेंट ले लीजिएगा। आप पहले ओरल कंसेंट ले लें और 3 दिन के अंदर रिटन कंसेंट ले लीजिएगा। तो नॉर्मल सिस्टम है कि जब भी मेंबर क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेडिंग करेगा, क्लाइंट के बिहाफ में ट्रांजैक्शन अंडरटेक करेगा, तो उसको उसका रिटन कंसेंट चाहिए। और अगर रिटन कंसेंट नहीं मिल पाया तो पहले ओरल कंसेंट ले ले, फिर 3 days में रिटन कंसेंट ले ले। लेकिन रिटन कंसेंट कब नहीं चाहिएगा? जब कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना हो। मैंने ऑलरेडी एक ओपन पोजिशन ले लिया है, अब मुझे उसे क्लोज करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए, क्लोज आउट करने के लिए वहां पे आपको रिटन कंसेंट की जरूरत नहीं है। बट क्लोज आउट करते वक्त भी आप क्लियरली मेंशन करोगे दैट यू आर क्लोजिंग इट आउट ऑन द बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल। देखना अपील के प्रोविजन सेबी और एससीआर में बिल्कुल सेम है। यहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल की जगह सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल आएगा और हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट आएगा। यानी पॉमला में क्या था? अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ क्या आ गया? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। और उसके बाद क्या आ गया? सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज कभी कंपनी के सिक्योरिटीज को डिलिस्ट कर दे। अब जब स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के सिक्योरिटीज को डिलिस्ट कर देगा तो कंपनी क्या हो जाएगी? एग्रीव्ड हो जाएगी, या उसके इन्वेस्टर्स क्या हो जाएंगे? एग्रीव्ड हो जाएंगे। तो वो अपील कर सकते हैं टू द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा। अगर आप सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से भी खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास, बट ओनली ऑन द मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास बट ओनली ऑन द मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो इस चैप्टर के अंदर हायरार्की क्या बनने वाली है? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज ने सिक्योरिटीज डिलिस्ट किया, फिर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड फिर क्या बन गया हमारा? सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 27 टाइटल टू डिविडेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या कहता है सेक्शन? मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर ट्रांसफर कर दिया,
मिस्टर ए कौन है, ट्रांसफरर है, मिस्टर बी कौन है, ट्रांसफरी है। अब प्रॉब्लम है डिविडेंड किसको मिलेगा, मिस्टर ए ट्रांसफरर है, डिविडेंड उसको मिलता है जिसका नाम बुक्स में होता है, मिस्टर बी ट्रांसफरी है, उसने शेयर के पैसे दे दिए हैं। प्रॉब्लम यह है कि कंपनी ने अभी तक मिस्टर बी का नाम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, कंपनी ने मिस्टर बी का नाम अभी तक अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अगर मिस्टर बी यानी कि अगर ट्रांसफरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ट्रांसफर डीड के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर जिस दिन से डिविडेंड ड्यू होता है मान लीजिए 1 नवंबर को डिविडेंड ड्यू होता है, तो अगर 15 नवंबर तक मिस्टर बी सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को जमा कर देता है, 15 नवंबर तक मिस्टर बी अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को जमा कर देता है कंपनी डिविडेंड मिस्टर बी को देगा। लेकिन अगर कंपनी 15 दिन के अंदर मिस्टर बी सारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाता कंपनी डिविडेंड मिस्टर ए को देगा। बट ये 15 डेज को एक्सटेंड की जा सकती है अगर पोस्टल डिले है, पोस्ट की वजह से डिले है, या फिर मान लीजिए मिस्टर बी की डेथ हो जाती है और मिस्टर बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अब टाइम लगने वाला है टू एस्टैब्लिश द राइट ओवर द डिविडेंड, मिस्टर बी के रिप्रेजेंटेटिव को टाइम लगने वाला है टू एस्टैब्लिश द राइट ओवर द डिविडेंड, या फिर मिस्टर बी की एक्सीडेंट हो जाती है, तो ऐसा कोई भी अबनॉर्मल कॉज में 15 दिन को डिले किया जा सकता है। वरना नॉर्मल सिस्टम यह है कि जिस दिन से डिविडेंड ड्यू होता है अगर उसके बाद ट्रांसफरी 15 दिन में सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देता है तो सारा का सारा डिविडेंड ट्रांसफरी को मिलेगा वरना डिविडेंड ट्रांसफरर को मिलेगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होने वाला है अगर आपसे वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का सवाल पूछे, यू इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बट सेक्शन 27 की जगह वहां लग जाएगा 27A। सिमिलरली अगर आपसे म्यूचुअल फंड की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बस वहां पर लग जाएगा सेक्शन 27B। एंड देन वी ऑल्सो हैव नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट जो फर्स्ट पेज में था कि SCRA एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं होगा, SCRA एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के केस में SCRA एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, RBI के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, लोकल अथॉरिटीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, RBI के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, लोकल अथॉरिटीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, RBI के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, लोकल अथॉरिटीज के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी कॉर्पोरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल लॉ के तहत हुआ है, जिस भी कॉर्पोरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट लॉ के तहत हुआ है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही नहीं, उनके ऊपर एप्लीकेबल तो होगा ही नहीं। तो ये सारे क्या थे हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज थे कौन से चैप्टर के, दैट इज SCRA एक्ट, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सेक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट सर, यहाँ पे कौन से मैंडेटरी याद रखने चाहिए अपने को, एक तो सेक्शन 3 याद रख लेना एप्लीकेशन, 4 याद रख लेना ग्रांटिंग ऑफ एप्लीकेशन, सेक्शन 5 याद रख लेना रिकॉग्निशन, उसके बाद अब सेक्शन 7A याद रख लेना दैट इज पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू रेस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स, सेक्शन 8 याद रख लेना पावर ऑफ सेबी टू अमेंड रूल्स, सेक्शन 8A याद रख लेना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, 13 याद रख लेना दैट इज एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर, 11 याद रख लेना सुपरसीशन, 12 याद रख लेना सस्पेंशन, 15 याद रख लेना मेंबर नॉट टू एक्ट एज अ प्रिंसिपल, एंड 27 याद रख लेना टाइटल टू डिविडेंड, एंड 28 याद रख लेना दैट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ SCRA एक्ट।